ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल को होना है पेश। एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने भेजा है समन। 27 फरवरी को ईडी ने भेजा था 8वां समन, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल को पेश होना है और 27 फरवरी को ईडी ने 8वां समन भेजा था। 7वें समन तक दिल्ली सीएम ईडी के सामने नहीं हुए पेश, आज भी पेश नहीं होंगे। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जवाब देने को तैयार हैं, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने को सीएम केजरीवाल तैयार हैं और एक बार फिर से जो है ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और इसके बजाय जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना चाहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अजित, ईडी के समन पर एक बार फिर से जो है केजरीवाल को पेश होना है, लेकिन बताया जा रहा है इस बार भी पेश नहीं होंगे। देखिए, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, कथित तौर पर दिल्ली में जो शराब घोटाले का जो मामला चल रहा है, जहाँ इस घोटाले में पहले से ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में है, तो वही अब जो जांच की आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक में पहुंची हुई है। और ईडी ने अब तक जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8 नोटिस भेज चुकी है। जो ईडी दफ्तर पेश होने को कहा गया था, जिसमें आज उन्हें पेश होना था, जो 27 फरवरी को ईडी की तरफ से जो 8वां जो समन है वो भेजा गया था। हालांकि हर बार की तरह उन्होंने इस बार फिर से साफ तौर पर इस नोटिस को कहीं ना कहीं अवैध करते हुए साफ तौर से पेश होने को मना कर दिया। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि वो पेश होने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें 12 मार्च के बाद की कोई भी तारीख नहीं दी जाए और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे। तो साफ तौर पर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से इस ईडी के नोटिस को फ्लैग करार देते हुए कानूनी तरीके से इस नोटिस को बोलते हुए आने अगली तारीख जो 12 मार्च की बाद की कोई तारीख बाकी है, उन्होंने कहा है कि फिजिकल तौर पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो ईडी दफ्तर में पेश किए। जी अजीत, इससे पहले भी जो है 7 बार समन उन्हें जारी किया गया और हर बार उन्होंने गैर कानूनी बताया, लेकिन अब जब उन्होंने समय मांगा है तो वो भी 12 के बाद का, और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि वो फिजिकली नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे, क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो लगातार जो आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी को लेकर के आशंकाएं जता रही है कि बार बार आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जो ये नोटिस भेजे जा रहे हैं वो केंद्र सरकार द्वारा साजिश के तहत भेजा जा रहा है, षड्यंत्र के तहत भेजा जा रहा है, और ये केवल और दिल्ली के चुनाव को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कहा जा सकता है इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की पेशकश की है। अब ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि आज 8वां समन जिस तरीके से एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ठुकरा दिया, तो ईडी जो है वो किस तरीके से अगला कदम उठाएगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के तैयार है, लेकिन 12 मार्च के बाद उन्हें कोई भी तारीख नहीं है, तो देखना ये होगी क्या ईडी जो है वो अगला नोटिस भेजती है, क्या वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो पेश होने की जो शर्त रखी है, क्या ईडी इस शर्त के लिए मंजूरी देती है, और क्या एक बार फिर से आगे अगर नोटिस भेजती है तो क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। जी, तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश होंगे तो इससे उनकी गिरफ्तारी का खतरा कम है? देखिए, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आशंका जता रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि हर वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैर कानूनी जरूर कहा, लेकिन उन्होंने इस बात भी कही कि वो ईडी के सामने सवाल जवाब के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नोटिस का जवाब न देते हुए उसे गैर कानूनी करार करते हुए पेश नहीं किए। तो ऐसे में इस बार कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरी जो लीगल जो टीम है उनके तहत ही करके लगातार जो है उन्होंने पूरे के पूरे पूरी एक तो प्लानिंग के तहत कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए राजी हुए, और यही जो जो मतलब पेशकश को ईडी को चाहिए। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।